डिजिटल इंडिया प्रोग्राम वाकई में वो गति हमें दे पा रहा है क्या? उसकी वजह से हम वो टेक्नोलॉजिकल इनोवेशंस कर पा रहे हैं जिसके दम पर हम ये कहें कि हम स्टार्टअप कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड हो चुके हैं, या उसके लिए क्या कर सकते हैं, कैसे सरकार आगे बढ़े उस पर? देखिए अजय जी, ऐसा है कि जब इकोनॉमी की हालत पूरी ख़राब हो तो कि हालत जब हर जगह ख़राब है तो डिजिटल इंडिया की हालत भी कोई अच्छी नहीं है। अगर हम देखें तो फाइबर 1 लाख गांव तक पहुंच गए हैं, लेकिन जिस तरह से इस्तेमाल होने चाहिए थे अभी तक हो नहीं पाए। पर मेरे को उम्मीद है कि ये गवर्नमेंट इस फेस में वो उस डायरेक्शन में काम कर रही है और उसका फ़ायदा हमें मिलेगा। मेक इन इंडिया को मैं थोड़ा आगे लेके जाऊँ। मेक इन इंडिया, आपने देखा होगा इकोनॉमिक सर्वे में उन्होंने मेक इन इंडिया के साथ साथ बोला है कि असेंबल इन इंडिया, क्योंकि इंडिया में जो भी हो रहा है वो मेक इन इंडिया नहीं हो रहा, बेसिकली असेंबल इन इंडिया हो रहा है। और ये अब क्या हुआ था कि जिस समय इंडियन इकोनॉमी ओपन अप हुई, ये 1991-92 की बात है, उस समय जो भी हमारी डोमेस्टिक जो इंडस्ट्रीज थी, जो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स थी, वो धीरे धीरे करके बंद होनी शुरू हो गई, जो कि बाद में ऑटो सेक्टर में उठी। तो क्या था, अगर हम टेलीकॉम सेक्टर की ही बात करें तो उस समय उन्होंने क्या करा था कि इम्पोर्ट ड्यूटी 0 कर दी और ITI और उसकी जो एंसिलरी थी सारी के करके बंद हो गई। उससे पहले कंडीशन थी कि आप इंडिया में अगर बेचना चाहते हैं तो इंडिया में मैन्युफैक्चर करना पड़ेगा, 49% इक्विटी उसमें डोमेस्टिक की होनी चाहिए जी। वो सारी कंडीशंस उन्होंने हटा दी, टेलीकॉम सेक्टर हमारा पनपा। तो अब मेक इन इंडिया की जो हम बात करते हैं, जो हम कहते हैं कि 3 गुना इसमें वृद्धि हुई है, वो बेसिकली असेंबल इन इंडिया है। कंपोनेंट सारे चाइना से आते हैं, हम नोएडा में कहीं उसको नट बोल्ट करके उसको असेंबल करते हैं। मैन्युफैक्चरिंग किसे कहते हैं और कैसे होती है, चाइना ने कैसे अचीव करी? चाइना की एक कंपनी है हुआवे, हुआवे का 1 साल का R&D का बजट 1,20,000 करोड़ का है, 1 साल का। आप लगा और 5 साल तक अगर आप R&D करेंगे तब एक प्रोडक्ट आपका ग्लोबल लेवल का बनता है, मतलब 5-6 लाख करोड़ रुपए खर्च करेंगे तब आपका बनेगा। हमारे यहाँ जो टोटल R&D का जो खर्चा है वो 1,000 करोड़ से ऊपर का नहीं होगा, सारे के सारे इंडस्ट्रीज का मैं आपको मिलकर बता रहा हूँ। फार्मा आप इंक्लूड कर दें, छोटा मोटा भी, तो 5,000 करोड़ से ऊपर का कहीं नहीं है, पूरे के पूरे तो हम कहीं मार्केट में खड़े ही नहीं है। हम लोगों ने एक बजट बनाया था, मैं भूल गया कौन सा वाला, एक बजट में हमने आइडिया दिया था कोई कि एक फंड हमने बनाया था अलग से जो कि R&D में इन्वेस्ट करेगा, इंसेंटिव देगा। उस फंड का कोई अता पता नहीं है कि आया भी या नहीं आया, मतलब मुझे तो डाउट है कि वो फंड बना भी है। तो अब सरकार को, क्योंकि ये एक सिचुएशन अनप्रेसिडेंटेड सिचुएशन है, बहुत ये हमें ड्रास्टिक स्टेप्स लेने हैं, तो मेरे ख्याल से सरकार को मैन्युफैक्चरिंग की तरफ ध्यान देना पड़ेगा बहुत ज़्यादा। और मैन्युफैक्चरिंग में प्राइवेट इन्वेस्टर को अट्रैक्ट करने के लिए जो भी करना चाहिए वो सरकार को करना चाहिए।